पता है मूंगफली बहुत सारी, तो मैं थोड़ी मूंगफली छील लेती हूँ। मूंगफली निकाली तो इसे मैं मूंगफली को छील लेती हूँ, इसके मैं दाने निकाल लेती हूँ। तो फिर हम बनाते हैं गुड़। तो मैं इसे फटाफट के दानों को निकाल लेती हूँ, मैं फिर आपको मिलती हूँ अभी। तो हम बनाएंगे आज कुछ गुड़ की मीठी सी डिश, जो कि हम बचपन में बहुत खाते थे, तो मेरी मम्मा बहुत बनाते थे, तो इसे गुड़ बोलते हैं। तो इसे मैं अभी बनाती हूँ, और इसे गरम गरम भी खा सकते हैं, और हम लोग गरम गरम भी खाते थे जब छोटे थे ना, तो अभी हम बनाते हैं। तो चलिए मैं फटाफट मूँगफली छील लेती हूँ, फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो मैंने दाने निकाली हैं, तो इनको मैं ना साफ़ कर लेती हूँ। इसका जो छिलका है ना, उसे मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो गाइस, मैंने इसकी मूँगफली के दाने निकाली हैं और इन्हें मैं साफ़ कर लिया है। तो इसके लिए साथ मुझे चाहिए सूंड। ये थोड़ी सी मैंने सूंड ले ली है, जिसे सौंठ भी बोलते हैं, जो अदरक का जो सुखा के बनाते हैं उसे सौंठ बोलते हैं। तो और चाहिए मुझे गुड़, तो मैं इसको गुड़ को भी थोड़ा कूट लेती हूँ। तो चलते हैं हम किचन में। तो मैं ये सूंड है ना, उसे कूट लेती हूँ। सूंड को मैंने कूट लिया है, तो बारीक पाउडर बन गई है। तो साथ ही मैं गुड़ को भी ना तोड़ लेती हूँ। तो गुड़ को मैंने तोड़ लिया है, तो चलिए अब बनाते हैं। तो हम पैन रख लिया है मैंने, तो अब इसमें मैं ऐड करूंगी देसी घी। तो मैंने इसमें एक चम्मच देसी घी ऐड कर दिया है, तो घी मेरा गर्म हो जाए। तो घी मेरा गर्म हो गया है, तो इसमें मैं जो गुड़ है तो इसे ऐड कर देती हूँ। इसमें हम गुड़ को ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे। इसमें हम एक ड्रॉप थोड़ा सा बिल्कुल पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, एक चम्मच। गुड़ को बैट होने देंगे। गुड़ को मेल्ट कर लेना है। तो मैं बना रही हूँ गुड़। पहले टाइम में हमको जब कभी कोई पेट में दर्द होता था, या बहुत ठंड लग जाती थी, खांसी जुकाम कुछ होता था, तो मम्मा हमें गुड़ बना के दे देते थे, तो हम लोग खाते थे और ठीक हो जाते थे। तो गुड़ को हमने कर लेना है मेल्ट। तो हम लोग बना के गर्म गर्म ही खाते थे, तो इसे हमें कई प्रॉब्लम से आराम मिलता था, जैसे पेन वगैरह में भी, और वैसे भी ये गर्माहट देता था शरीर को। तो हमने गुड़ को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। तो हमारा गुड़ मेल्ट हो गया, तो अब इसमें हम ऐड करेंगे जो सूंड मैंने कुटी है वो ऐड कर देंगे। थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, इसे हिलाएंगे, और साथ ही जो मूंगफली के दाने हैं वो ऐड कर देंगे और इसे हिलाएंगे, और गैस को कर देंगे बंद। तो मेरा गुड़ हो गया रेडी, और इसे हमने ऐसे ही गर्मा गर्म ही, मतलब जैसे ही अच्छा लगेगा तो हमने इसे खाना है। तो गुड़ हो गया तैयार, तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। तो गुड़ हो गया तैयार, तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इसे मैं इसे मैं इसमें गरम गरम इसे निकाल लेती हूँ। वाओ, ये एक तरह से स्वीट बन जाते हैं, और इसे हम ऐसे ही गरम गरम ही खाएंगे, और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से आराम मिलेगा। तो इसे हम गुड़ बोलते थे, और ये बहुत ही यमी होते हैं। तो गुड़ हो गया तैयार, इसे आप चाहो तो थाली में रख के जमा के आप चक्की भी बना सकते हो। तो ये गुड़ हो गया रेडी, तो चलिए लीजिए, देखिए मेरा गुड़ हो गया रेडी। वाओ, इसे गरम गरम ही खाएंगे, पर थोड़ा, जैसे थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसे हम ऐसे ही खा सकते हैं। तो गाइस, गुड़ मेरा रेडी हो गया है, थोड़ा सा मैंने निकाल के रख दिया है, और ये करते हैं टेस्ट। तो गाइस, गुड़ गर्मा गर्म रेडी हो गया है, तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही यमी होता है और बहुत ही बेनिफिट्स हैं इसके।
अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी, और इसके कई सारे फायदे भी हैं। तो हम लोग सर्दियों में बहुत खाते थे गुड़। तो चलिए फिर मिलते हैं जिंदर के तरफ। सत श्री अकाल।